फ्रेंड्स, मेरे चैनल मम्मी का ढाबा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नवरात्रा शुरू होने वाला है तो आज हम आपके लिए नवरात्रा स्पेशल ही डिश लेके आए हैं, साबूदाने का खीर और साबूदाने का चॉप। तो सबसे पहले हम साबूदाने का खीर बनाते हैं। तो साबूदाने का खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले साबूदाने को आधा घंटा के लिए पानी में भिगोना होगा। देखिए, साबूदाने एक कटोरी साबूदाना लेके उसे पानी में डाल दिए, आधा घंटा तक उसे पानी में ही रहने देंगे। फिर उसे छान के साबूदाने को हम अभी छन्नी में डाल दिए थे, पूरा पानी निकल गया है। अब बनाना शुरू करते हैं। ये एक कप दूध है, 4 चम्मच चीनी, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची। अब हम एक दूध को कढ़ाई में डाल देंगे। जब दूध में उबाल आ जाए तब हम इसमें साबूदाना डालेंगे। देखिए, दूध उबलने लगा, अब हम इसमें साबूदाना डाल देते हैं और इसे पकने में 10 से 15 मिनट लगेगा। साबूदाने का साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये मेरा मीडियम साइज का साबूदाना था, ये हम पकने में हमको 12 से 15 मिनट लगा। देखिए, अब ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, 4 चम्मच चीनी डालेंगे हम इसमें। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, इसमें ज़्यादा और कम भी कर सकती हैं आप। बहुत ही हेल्दी है डिश ये। अब हम फ्रेंड्स इसे जरूर आप ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। देखिए, साबूदाने का खीर तैयार हो गया। बहुत इजी रेसिपी है ये और आपको पसंद भी बहुत आएगा, इसे ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम साबूदाने का चॉप बनाना शुरू करते हैं। ये आधा घंटा के लिए साबूदाने को हम पानी में भिगो दिए थे। अब इसे पानी से निकाल के फिर हाफ कटा हुआ शिमला मिर्च, एक बारीक कटा हुआ गाजर, ये सेंधा नमक, यहाँ हम सेलो फ्राई करेंगे, तेल, 2 आलू, उबला हुआ आलू है और ये ग्रीन चिली। अब हम आलू को यहाँ मैश कर देते हैं अच्छी तरह से। आलू को बाइंडिंग के लिए करना है तो इसलिए अच्छी तरह से यहाँ पर मैश करें। और गाजर, शिमला मिर्च सबको एक साथ डाल के अभी हम मिक्स करेंगे। देखिए, आलू भी डाल दिया, आलू को भी अच्छी तरह से मैश करके डालें, ग्रीन चिली। यहाँ पर आप मूंगफली को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के भी डाल सकती हैं, अच्छा बनेगा टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। हम देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिए, जितना अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा तो बाइंडिंग भी उतना ही अच्छा से होगा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक लास्ट में ही डालें कि सब्जी पानी नहीं छोड़े, इसीलिए हम लोग लास्ट में नमक डालते हैं। जितना हार्ड रहेगा तो उतना अच्छा बनेगा। तो सेकने का तैयारी करते हैं, अभी हम सेलो फ्राई करेंगे। तो हम 2 से 3 चम्मच तेल डालें और इसका चॉप बना बना के टिक्की टाइप और उस पर अभी हम डालेंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लें, हाथ में चिपके नहीं, और इस तरह से
सारे बना के हम अभी सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसे जरूर ट्राई करें। बहुत हेल्दी भी है, साबूदाना सब वेजिटेबल्स, इसलिए आप ज़रूर ट्राई करें। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये रेसिपी आपको। अब हम इसका प्लेटिंग कर लेते हैं।